निकुंज सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्शन की बात करें तो एक तरफ है एफ जिसमें कि अब आई नजर आ रही है लगातार चार दिनों से तेजी है और वही दूसरी तरफ पीएसयू बैंक जो कि काफी ज्यादा चले थे बीच में और आज की डेट में वो सबसे बड़े हैं ये दो तो सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है आपका देखिए मेरे हिसाब से ओबन एफ में ज़्यादा नजर रखनी चाहिए बिकॉज ओबन एफ इस समय ऐसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम ओबन एफ क्या होता है ओबन एफ होता है जैसे सोलह एक कंपनी हो गई मत धारण के लिए बात कर रहा हूँ इट इज़ अ इट इज़ नॉट अ रूरल एफ कंपनी इट इज़ अ ओबन एफ कंपनी ओबन एफ एम सी कंपनी इसमें ध्यान रखिए ओबन डिस्क्रिश्नरी में ध्यान रखिए एफ में समस्या ये है कि एफ महंगे हैं और महंगे स्टॉक्स बियॉन्ड अ पॉइंट और महंगे नहीं हो सकते हैं तो कंज्यूमर स्टेपल्स में केवल आईटीसी अच्छा है ब्रिटानिया ऑलरेडी चल चुका है एचुअल मेरे हिसाब से भारी भरकम है तो वहाँ मुझे ज़्यादा स्कोप नहीं लगता है इमामी के नंबर अच्छे आए थे और इमामी की कमेंट्री अच्छी है तो इमामी की कमेंट्री के बाद हो सकता है इमामी में कुछ यू नो नज़र देखने को मिले मगर दो कंपनियों जो मेरे रडार पर हैं एक तो हीरो मोटोकॉप बड़ी बाइक ला रहे हैं आयशर को चैलेंज कर रहे हैं आयशर की जो किसके पास बड़ी बाइक है यहाँ पे तीन सौ आपके पास है अभिषेक जी

आप देखिए ट्राइम मोटरसाइकिल में कुछ कर नहीं पाई हार्डली कुछ कर नहीं पाया तो बजाज हीरो का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर आप एक बड़ी बाइक लाते हैं तो आपको दो तीन परसेंट का स्विंग आ सकता है हीरो ऐसा स्टॉक है जिसमें लोगों ने न, लोग ना लोग उम्मीद हो गए अरे क्या है मतलब एक्सपोर्ट आपने एक्सपोर्ट नहीं करा आपने नया कोई इनोवेशन नहीं करा कैश इतना है बैलेंस शीट में डिविडेंड और बायबैक ही करते रहते हो तो लोग वहाँ पर थोड़े थोड़ी उनकी टेक्नोलॉजी प्रोविंस को लेकर के थोड़े हताश है अगर ये वापस लाते हैं इस बाइक को और इनकी बाइक अगर सक्सेसफुल होती है तो स्टॉक अच्छा हो सकता है जहां पर थोड़ा गड़बड़ है मामला वो अंदर की बात हम बोल सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज क्योंकि अंदर की बात है 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 अंदर की की बात बात है है कॉन कॉन के जो हाईलाइट्स है सारे सारे कमजोर है उसमें मतलब कुछ भी उनका कहना है कि मई जून भी सिमिलर ऐसे ही रहेगा थोड़ा सा ढीला ही रहेगा मार्जिन का जो उनका बोला है कि पहले बीस बाईस थी और अठारह बीस के आसपास ही रहेगा तो चीजें खराब ही दिख रही है उसमें अभिषेक ये बिजनेस थर्टी परसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी का बिजनेस है इतना ज़बरदस्त कैश फ्लो पेज इंडस्ट्रीज जनरेट करता है कि काबिल तारीफ है मगर मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि डिमांड के अलावा लास्ट क्वार्टर के अंदर कॉटन प्राइसेज एट कम डाउन फैब्रिक प्राइसेज एट कम डाउन तो इनको मार क्यों पड़ रही है अर्दे लूजिंग मार्केट शेयर हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि आ, कुछ साल पहले आदित्य बिरला मूव डेंट टू इनरवे नाइका ने कि इनवेयर की ब्रांड बनाई है सो आर दे लूजिंग मार्केट शेयर वो डेटा मैंने देखा नहीं है पर वो बड़ी कंसर्न है सात आठ परसेंट डाउनग्रेड है महंगा स्टॉक है कितना पी है देखेंगे शायद टाइम्स पी है इसका मैं शीट लाया नहीं हूँ फोर्टी फोर्टी फाइव टाइम्स पी है पेज इंडस्ट्रीज का तो इस मार्केट के अंदर एक चीज तो तय है अभिषेक की जहां सेवन वन ईयर फॉरवर्ड फॉर तो ये मार्केट में समस्या है जहां पर भी बाबू महंगा है ग्रोथ नहीं है तो फिर नीचाई खुल जाती है तो इस मार्केट के अंदर अगर आप एक्सपेंसिव स्टॉक हैं और अगर आप ग्रोथ नहीं लाते हैं नहीं। तो प्रॉब्लम है